परीक्षा के परिणाम आने से पहले ही कांतापेट स्थित जिला परिषद के प्रधानाध्यापक ने जैसे ही अभिभावकों की अनुमति के बिना छात्रों को स्कूल में परिणाम प्रमाण पत्र न देते हुए सीधे टीसी थमा देने से अभिभावकों में रोष व्यक्त किया है। साथ ही किसके मांगने पर या किसके आदेश से स्कूली बच्चों को टीसी दी जा रही है, ये भी एक बड़ा सवाल सबके सामने खड़ा है। आक्रोशित अभिभावकों ने आज कांतापेट स्कूल में जमकर हंगामा कर दिया। खास बात यह है कि कल जहां बुद्ध पूर्णिमा का सार्वजनिक अवकाश होने के बावजूद 6 मई की तारीखें लगाई और 5 तारीख को टीसी बच्चों के हाथों में थमा दी गई। अभिभावकों ने इस मामले की शिकायत मूल पंचायत समिति के समूह शिक्षा अधिकारी को दिए। ज्ञापन में आर्थिक लेन देन का आरोप भी लगाया गया है और अभिभावकों द्वारा प्राचार्य के कमरे में किए गए हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। सरकारी स्कूलों में सहायता प्राप्त स्कूलों में छात्रों की संख्या कम होती है, लेकिन कक्षा 5 के छात्रों के लिए प्रतियोगिता होती है। हर शिक्षक जिला परिषद स्कूल से संपर्क कर रही है ताकि उन्हें 5वीं कक्षा के छात्र मिल सके। जिला परिषद स्कूल के प्राचार्य को आर्थिक प्रलोभन दिखाया जा रहा है। इसी तरह का आर्थिक लाभ पाने के लिए ये बात सामने आई है कि कांतापेट स्थित जिला परिषद स्कूल के प्रधानाध्यापक कुमरे ने टीसी चिरोली के स्कूल के सभी छात्रों को स्कूल के नतीजे आने से पहले ही एक दिन की छुट्टी होने के बावजूद दे दी। सरकार के फैसले के मुताबिक 6 मई को नतीजे घोषित करने का आदेश दिया गया था। इसके अनुसार आज जब छात्र कांतापेट स्कूल में नतीजे लेने गए तो क्लास टीचर ने कहा कि अभी रिजल्ट तैयार होना बाकी है, लेकिन जैसे ही प्रिंसिपल ने कहा कि आपकी टीसी चिरोली के स्कूल में दी गई है, तो अब सवाल ये उठता है कि ये सब कैसे हो गया। माता पिता को जब इस बात का पता चला तो वे सभी भागे भागे स्कूल पहुंचे और स्कूल प्रबंधन से पूछा कि हमारी इजाजत के और नतीजे घोषित होने से पहले टीसी भला कैसे दे दी गई। जब नागपुर मेट्रो समाचार प्रतिनिधि ने इस बारे में प्रिंसिपल कुमरे से संपर्क किया तो उन्होंने जवाब दिया कि हाँ, मैंने आज की तारीख दी थी और टीसी भी दी थी, ये मेरा अधिकार है, मैं देख लूंगा कि कौन क्या करता है। खैर, अभिभावकों की शिकायत के आधार पर समूह शिक्षा अधिकारी से संपर्क किया गया तो उन्होंने जवाब दिया कि प्राचार्य की कार्यवाही गंभीर है और कानूनी कार्यवाही की जाएगी। प्राप्त विश्वसनीय जानकारी के अनुसार क्षेत्र में चर्चा है कि चिरोली के स्कूल प्रबंधन ने प्रधानाध्यापक को आर्थिक प्रलोभन देकर भ्रष्टाचार किया है, जिसकी शिकायत पर समूह शिक्षा अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही पर ध्यान दिया जा रहा है। मूल के कांतापेट से बीसीएन न्यूज के लिए सुनील ताइडे की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।